हेलो फ्रेंड्स, गर्मियों के मौसम में अगर कुछ ठंडा ठंडा मिल जाए तो बात ही कुछ और होती है। तो इसलिए आज मैं लेके आई हूँ वाटरमेलन पॉप्सिकल की रेसिपी, जो आपके बच्चों को काफी पसंद आएगी। तो चलिए वाटरमेलन पॉप्सिकल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। वाटरमेलन पॉप्सिकल्स बनाने के लिए हमें चाहिए सीडलेस वाटरमेलन 250 ग्राम, थोड़े से बारीक कटे हुए वाटरमेलन, 8 से 10 पत्ते पुदीने के, 1 टीस्पून केवरा वाटर, हाफ लेमन एंड 3 टू 4 टेबलस्पून हनी। अब हम एक बोल लेंगे और इसमें सीडलेस वाटरमेलन को डालेंगे। 8 से 10 पुदीने के पत्ते डालेंगे, आधा नींबू का रस डालेंगे और अब हम यहाँ 3 टू 4 टेबलस्पून शहद डालेंगे। आप चाहो तो शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। शहद की क्वांटिटी आपके वाटरमेलन के स्वीटनेस पर डिपेंड करती है। अगर आपका वाटरमेलन थोड़ा कम मीठा हो तो आप यहाँ पे इससे थोड़ा ज्यादा शहद का इस्तेमाल करें। और अब हम इन सारी सामग्रियों को एक हैंड ब्लेंडर की सहायता से स्मूथ ब्लेंड कर तैयार कर लेते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि वाटरमेलन पॉप्सिकल्स बनाने का मिक्सचर ब्लेंड होकर बिल्कुल तैयार है। 1 टीस्पून केवरा वाटर ऐड करेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको केवरा वाटर पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ वाटरमेलन चंक्स ऐड कर देंगे और इसे एक बार अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। और अब वाटरमेलन पॉप्सिकल बनाने के लिए यह मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। मैंने यहाँ पे एक पॉप्सिकल स्टैंड लिया है और मैंने वाटरमेलन मिक्सचर को एक ग्लास जार में ट्रांसफर कर लिया है ताकि हम आसानी से पॉप्सिकल स्टैंड में इस मिक्सचर को पोर कर सकें। और अब हम पॉप्सिकल स्टैंड में वाटरमेलन मिक्सचर को एक एक कर पोर कर लेंगे। तो इसी तरह से हम बाकी के भी पॉप्सिकल को फिल कर लेते हैं। वाटरमेलन मिक्सचर हमने पॉप्सिकल स्टैंड में फिल कर लिया है और अब हम इसे एक एक कर बंद करते जाएंगे। और अब हम पॉप्सिकल स्टैंड को 8 to 10 hours के लिए डीप फ्रीजर में रख देंगे सेट होने के लिए। पॉप्सिकल स्टैंड को हमने फ्रीजर से बाहर निकाल लिया है और आप चाहें तो इसे 1 मिनट के लिए वाटर में डिप कर रखें स्टैंड को, या यूं ही इसे 2 से 3 मिनट नॉर्मल टेम्परेचर पर आने दें ताकि हम आसानी से पॉप्सिकल्स को डीमोल्ड कर सकें। 2 मिनट हो चुके हैं तो आइए हम एक पॉप्सिकल को डीमोल्ड कर लेते हैं। तो इसे डीमोल्ड करने के लिए आप धीरे से गोल घुमाते हुए ऊपर की ओर निकालें और आप देख सकते हैं कि ये कितना टेस्टी पॉप्सिकल बनकर तैयार हुआ है। और इसे हमने काफी कम इंग्रेडिएंट में घर में आसानी से बनाकर तैयार किया है और ये मार्केट के पॉप्सिकल के मुकाबले काफी हेल्दी और टेस्टी भी है। तो इसे आप जरूर घर में एक बार ट्राई करें। वाटरमेलन पॉप्सिकल को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए आप इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल करके एंजॉय कर सकते हैं। गर्मियों के छुट्टियों में आप अपने बच्चों को वाटरमेलन पॉप्सिकल्स बनाकर जरूर खिलाएं और उन्हें कैसा लगा है ये कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखकर बताएं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सो हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय। आप चाहो तो मेरे और भी रेसिपीज को देखने के लिए दिए गए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं और मेरे आइकन पे क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।